हाय दोस्तों, मैं देवर आप सभी का मेरी एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज अपन कह रहे हैं 1.20.1 का न्यू अपडेट। तो इसमें अपन सर्वाइव करने वाले 100 डे, और जो भी इसमें नए नए अपडेट आए हैं उनके ही थ्रू अपन सर्वाइव करने वाले हैं। और बहुत सी और जो भी इसमें नया आया है वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले। तो वीडियो में एंड तक रहना, और वीडियो पर प्लीज़ एक लाइक और नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी और नेक्स्ट 100 डे वीडियो कौन सी चाहिए। तो चलो बिना टाइम पास के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट डे मैंने यहाँ पे ट्री चॉप किया और इसके थ्रू जो बेसिक आइटम होने वाले थे वो मैंने इससे बनाए। तो ब्लैंक बनाए और नॉर्मल सी एक क्राफ्टिंग टेबल बनाकर उसमें अपने जो क्या बोलते हैं टूल होते हैं ना, एक्स और एक पिकक्स बनाई, क्योंकि मुझे स्टोन की पिकक्स बनाई थी। तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत इससे कोबा स्टोन निकाले और उनसे मैंने अपनी पिकक्स और एक एक्स बनाई, और मैं फिर वहां से निकल गया। और पास में ही एक रूइन पोर्टल था, तो उस रूइन पोर्टल के पास जाकर एक चेस्ट लगी हुई थी, तो वहां से मैंने लूट की थोड़ी बहुत, तो ये थोड़ी सी फायर बुझाई। और फिर आगे जाके एक चेस्ट थी, तो उस चेस्ट में बहुत ही अच्छे आइटम थे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कैरेट थी और एक गोल्ड की सोर्ड थी, तो लगभग अच्छे आइटम थे। तो ये मैं लूट के यहाँ से निकल गया और घूमते घूमते पास में ही एक विलेज था, तो वहां पे मैं आ गया। मुझे यहाँ पे पहुंचते एक दो दिन लग गए, और विलेज में आते ही मुझे खाने का जुगाड़ तो हो गया था क्योंकि मुझे वीट मिल गई थी। तो यहाँ से मैंने अपने खाने का जुगाड़ किया सबसे पहले, और फिर आसपास से देखा कि कोई मेटल कुछ तो मिल जाए, और मेरे को कॉल मिला, और यहाँ से थोड़ा बहुत कॉल निकाला, और फिर यहाँ से निकल गया मैं। और जो विलेज था उनको पूरे को अच्छी तरीके से लूटने के लिए निकल गया, और सामने एक विलेजर था उसे ट्रेड करके देखता हूँ कि कोई अच्छी लूट दे रहा है या नहीं दे रहा। और मैंने विलेजर को अच्छा खासा चूना लगाया, इसी के वीट इसी को बेचकर और थोड़ा बहुत एमरल्ड लेकर, और मैं इस विलेज से रवानगी ले ली। और चलते चलते मुझे एक बैम्बू फॉरेस्ट मिला, और बैम्बू फॉरेस्ट से मैंने यहाँ से बहुत सारे बैम्बू निकाले, क्योंकि न्यू अपडेट में बैम्बू का मैक्सिमम अपडेट आया, क्योंकि इसमें अपन लगभग अब बैम्बू से भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो बैम्बू से लगभग सब कुछ बना सकते हैं, तो इससे आपको भी बताएंगे, तो इससे अपन घर बनाने वाले हैं। तो फिलहाल थोड़े बहुत बैम्बू निकाले, और पास में ही चेरी ब्लॉसम बायोम थी इस बैम्बू फॉरेस्ट के, तो मैं यहाँ पे आ गया क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत इसकी सैपलिंग चाहिए थी, क्योंकि मैं अपना सेपरेट चेरी ब्लॉसम आइलैंड बनाने वाला हूँ। आइलैंड तो छोड़ो, अपने घर के आसपास लगाने वाला हूँ। तो मैं इन ट्री को जल्दी से कट कर लेता हूँ और इनकी सैपलिंग लेके चलते हैं अपने, फिर थोड़ा बहुत माइनिंग पे भी जाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे को आयरन गोल्ड डायमंड ये भी चाहिए थे। तो फिलहाल ये जल्दी से ट्री को चॉप कर लेता हूँ और इनकी सैपलिंग कलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर चलते हैं अपने कोई अच्छे से विलेज में। और मैंने इसमें दो मोड डाले, एक तो अपना मैप के लिए लोकेशन का ये डाला है, इसमें मैं आसपास का जो भी एरिया वो देख पाऊंगा, तो ये मैप वाला मोड डाला। और एक इसमें डाला है मैंने बैकपैक का मोड डाला है, क्योंकि स्टोरेज कैरी करना बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आइटम हो जाते हैं वो मैं कलेक्ट नहीं कर पाता। तो छोड़ो, अभी मैं माइनिंग में आ चुका हूँ, जल्दी से अपने जो भी मेटल है वो कलेक्ट कर लेते हैं और फिर चलते हैं कोई अच्छे से विलेज में। और फिलहाल मैं माइनिंग से तो आ चुका हूँ, अब अपना बैकपैक का और जुगाड़ कर लेते हैं, वो सारे आइटम मेरे पास आ चुके हैं। तो फिलहाल अपना बैकपैक बनके तैयार है, और अब चलते हैं, अपना सारे आइटम इसके अंदर रख लेता हूँ क्योंकि मेरी इन्वेंटरी एकदम फुल हो चुकी है। तो लगभग सारे आइटम को अंदर रखते हैं और फिर चलते हैं अपने पास वाले विलेज में। तो विलेज में जाने से पहले कि ये ब्रश हो रहा था, सस्पिशियस सैंड ग्रेवल, ये दो नया आइटम आए थे तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो मैं डेजर्ट टेंपल में आया था, और यहाँ पे देखो मेरे को सस्पिशियस सैंड मिली, और इससे देखो अगर अपन इससे ब्रश से साफ करेंगे ना, तो इससे मुझे आइटम मिलेंगे। तो इसमें पॉट नाम के भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं उनसे, ये देखो इसमें इसको मैं अगर घसूँगा ना, तो इससे मुझे पॉट मिलेंगे, और उससे अपन बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, तो वो आपको मैं आगे बताऊँगा। ये पॉट मिलते हैं और आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि उनसे डायमंड मिलते हैं, तो देख सकते हो इनसे डायमंड भी मिलते हैं, एमरल्ड भी मिलते हैं, तो लगभग बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो इन सस्पिशियस सैंड और ग्रेवल तो बहुत ज़्यादा रेयर है, तो वो तो नहीं मिलने वाला, बट ये सैंड है ना डेजर्ट टेम्पल और मतलब ओशियन में मिल जाएंगे, लगभग ओशियन में बहुत ज़्यादा सस्पिशियस सैंड मिलती है। तो फिलहाल अगर आपके पास डेजर्ट टेम्पल तो वहाँ से आप निकाल सकते हो। तो फिलहाल मैं अंदर जो चेस्ट लगी थी उनसे भी लूट लेता हूँ, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि और अब अपन अपने डायमंड के आर्मर को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये अपग्रेड आए हैं, मतलब आर्मर के अपग्रेड आए, तो ये मिल जाते हैं आपको डेजर्ट टेम्पल में मिल जाते हैं, और बहुत सारे रूइन इनमें मिल जाते हैं, लगभग बहुत इजीली मिल जाएंगे आपको डेजर्ट टेम्पल में। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं पास वाले विलेज में। तो आप देख सकते हो पोटरी शार्ड आपको लगभग बहुत सारे मिल जाएंगे, और मैंने 4-5 डेजर्ट टेम्पल लूटे थे फिर मेरे को इतने सारे मिले थे, तो इजिली आपको मिल जाएंगे डेजर्ट टेम्पल में। और ये सस्पिशियस सैंड और ग्रेवल, तो फिलहाल अपने पास इनफ डायमंड है, तो अपना सूट बना लेते हैं और उसको कस्टमाइज कर देते हैं, जो नया अपग्रेड आया है उनके अपने आर्मर को थोड़ा कलर करके देखते हैं। तो फिलहाल अपना ये जूते और बना लेता हूँ, और अपने पास वो थी ना एक टेबल,
और स्मिथिंग टेबल से इनको अपग्रेड कर सकते हैं। स्मिथिंग टेबल में ये डालना है और ये आर्मर डालना और जो भी आपको कलर डालना चाहो, अगर आप आयरन के कलर में रंगना चाहो तो आयरन में रंग सकते हो, अपन गोल्ड के रंग में रंगना चाहो तो आप गोल्ड के रंग में भी रंग सकते हो, बट मैं इसको रेड स्टोन के रंग में रंगना चाहूँगा, इसको रेड कलर का बनाना चाहूँगा। आप देख सकते हो इसमें आपको डायमंड में भी, आप डायमंड में तो नहीं तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, तो ये अलग अलग होते हैं इसमें अपग्रेड, तो आप देख लेना। तो चलो अब फिलहाल मैंने अपने सारे आर्मर को रेड कलर में अभी रंगने वाला हूँ, तो फिलहाल मैंने अपने पूरे आर्मर को रेड कलर में रंग लिया, तो मैं जल्दी से इन्हें पहन कर और आपको दिखाता हूँ ये आर्मर कैसा लग रहा है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ये हटा देता हूँ मैं हेलमेट और ये पहन लिया मैंने फुल आर्मर। तो अब आप बताना जरूर कि आपको ये रेड कलर वाला आर्मर अच्छा लगता था या पहले वाला जो बेसिक था जो गोल्ड कलर का था, मतलब डायमंड कलर का था, वो अच्छा लगता, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बताना। और अपना नेक्स्ट अपग्रेड आया था इसमें कि अपन कैमल भी आया था इसमें, तो वो भी अपन ने पकड़ लिया, डेजर्ट में ही मिलता है लगभग, आपको कोई भी विलेज में जाओगे ना डेजर्ट विलेज में तो वहाँ पर जाकर आप इस कैमल को पकड़ सकते हो, इसको टेम कर सकते हो नॉर्मल सा, और ये मॉब के पास भी हेल्प करता है अपन को मॉब से बचाने में, नहीं भाई कोई मदद नहीं करता, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ कैमल तो मरने वाला है। तो फिलहाल अपन जल्दी से विलेज में चलता हूँ और इसको थोड़ा सा इसको सेव करते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये मर गया ना तो दूसरा विलेज ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस विलेज में एक ही मिला है, मुझे दूसरा कैमल तो दिख नहीं रहा है। और इन माइनक्राफ्ट वाले ने एक चीज़ गलत की है कि ये कैमल कैक्टस कब से खाने लग गए यार, मैंने तो नहीं देखा कि आज तक ये कैमल कैक्टस खाते हैं। आप मुझे कमेंट में बता दें कि रियल में खाते हैं या नहीं खाते, बट अपन इनको हील करने के लिए इनको कैक्टस खिलाना पड़ता है, इनको टेम करने के लिए भी, टेम करने के लिए नॉर्मल सेडल इसको पहना दो ये टेम हो जाएंगे, बट इनको हील करने के लिए इनका फूड है ना वो यही कैक्टस बना रखा है। तो अपने कैक्टस भैया को इसको खिला देते हैं अपने कैमल को और फिर अपने विलेज को लूटते हैं, क्योंकि मैं याद भूल गया था कि मेरे को विलेज को भी लूटना है, तो बैठ जाता है। तो फिलहाल इसको छोड़ो और अपना लास्ट घर बचा हुआ तो इसको लूट लेते हैं, और मेरे पास थोड़ी बहुत ये बकेट थी तो उन बकेट में लावा ले लेते हैं, इन्फ्यूजर कभी काम ही आ जाए, बट मैंने 100 डैमेज लावा को कभी भी यूज़ नहीं लिया, पता नहीं है कि मैंने क्यों लिया था, बट मैंने अपने 100 डैमेज को कभी भी यूज़ नहीं लिया। और मेरे को यहाँ पे थोड़े बहुत डायमंड मिले और मेरे को ऑब्सीडियन मिले थे थोड़े बहुत, ये सारे आइटम लेकर फिर मैं यहाँ से रवानगी लेने के लिए तैयार था, और फिर मुझे देखा कि मेरे पास में ही ओशियन है, तो मैंने वहाँ पे जाने की ठानी, तो मैंने ये लगभग ये सारे आइटम यहाँ से लूटे और फिर ओशियन में जाने के लिए तैयार हो गए। और फिलहाल मैं ओशियन में आ चुका था, नीचे एक सिप्रेक था तो मैं सिप्रेक को लूटने के लिए नीचे जा रहा था, बट वाटर ब्रीदिंग कम होने के कारण मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई इस सिप्रेक को लूटने के लिए, और ये चेस्ट खुल नहीं रही थी, और खुली तो इसमें क्या मिला, कचरा मिला और ये मैप मिला। मैंने इन मैप को कभी भी नहीं लूटा, इस 100 डे में मैंने इन मैप को लूटा ज़रूर है बट मैं इनका यूज़ कभी नहीं लेगा, इनको बस जाकर अपने घर में रख दिया ओनली और इसका यूज़ कभी नहीं लिया। और इस सिप्रेक के अंदर 2 चेस्टें थी, जो दूसरी चेस्ट थी ना वो बहुत ही मुश्किल से मिली मुझे, और उस चेस्ट को ढूंढने के बाद में क्या पता चला कि उसमें भी कचरा ही था। और मैंने इस सिप्रेक के बाद में कम से कम भी 4 से 5 सिप्रेक और लूटी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत लूट और मिल जाएगी। तो फिर मैं आ गया अपने बेस पर आसपास के विलेज में और वहाँ पे मैंने अपना थोड़ा सा बेस क्लियर किया और क्लीन बेस बनाया, क्योंकि मैं एक प्लेन बेस पे अपना चेरी वुड और मतलब बैम्बू का अपना एक सुंदर सा महल बनाने वाला था। और मैंने थोड़ी बहुत जो चेरी की सैपलिंग लेके आया था उन्हें भी मैंने जल्दी से प्लांट की और इनको ग्रो किया, और मैंने लगभग अपने पूरे बेस के चारों तरफ मैंने चेरी ब्लॉसम ट्री को अपने बेस के चारों तरफ प्लांट किया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं और इससे अपने बेस को थोड़ा सा निखार आ जाता है अपने बेस पे, और थोड़ा सा 100 डेज सर्वाइव करने में थोड़ा इजी लग जाता है, क्योंकि पता नहीं चलता कब जाएगा अपने 100 डे इन चेरी ब्लॉसम ट्री के कारण। और फिलहाल मैंने ये थोड़े बहुत ट्री लगा दिए अपने पूरे बेस के तरफ और मैंने फिर अपना बेस बनाना स्टार्ट किया, अपना घर बनाना स्टार्ट किया।
और अपना घर कंप्लीट करने के बाद में मैं ओशियन की तरफ आ गया, क्योंकि यहाँ पे वार्म ओशियन में मेरे को स्निफर का एग चाहिए था जो मेरे को सस्पिशियस सैंड के थ्रू ही मिलने वाला है, तो वो अपन को वार्म ओशियन में ही मिलेगा, मतलब गर्म गर्म समुद्र में जहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं गर्म झरने हो वहाँ पे। तो ये वार्म ओशियन में आया और यहाँ से मैं देख रहा था कि मेरे को एक सस्पिशियस सैंड तो दिख गई थी बट वाटर ब्रीदिंग के कारण मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही थी तैरने में, और मैं फिर दोबारा से डुबकी लगाई और नीचे सस्पिशियस सैंड से अपना दोबारा से इनको घसना स्टार्ट कर दिया कि इनको घसने के बाद में पता नहीं कुछ अच्छा मिल ही जाए, बट कुछ भी नहीं मिला, यहाँ पे भी कचरा ही मिला। फिर मैं यहाँ से निकलने की सोच रहा था बट मैं ढूंढ रहा था कि आसपास कोई और कोई सस्पिशियस मेरे को सैंड मिल जाए, बट वहाँ पे नहीं मिला। फिर दो तीन या क्या बोलते वार्म ओशियन ढूंढने के बाद में मुझे लास्ट में फाइनली बहुत सारे स्ट्रक्चर पर घूमने के बाद में मुझे फाइनली सस्पिशियस सैंड मिली, जिसमें मुझे स्नेफर का एग मिला। बट फर्स्ट वाले में मुझे कुछ भी नहीं मिला, नॉर्मल सा नगेट मिला गोल्ड का, बट सेकंड वाला रियली में खतरनाक होने वाला। पहले मैं थोड़ी सी वाटर ब्रीदिंग लेके आ जाता हूँ ऊपर जाकर, और फिर मैं दोबारा से नीचे जंप लगाई और अपना सेकंड सस्पिशियस सैंड को मैंने घसना स्टार्ट किया और मेरे को यहाँ पे स्निफर का एग मिल गया। रियली में इसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, कम से कम भी 10-15 दिन लगे हैं इसमें, माइनक्राफ्ट के 10-15 दिन, और रियली में बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ है इसको ढूंढना। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और अपने घर पर चलते हैं जल्दी से। तो फिलहाल मैं घर पर आ चुका था और मैंने स्निफर को एग को हैच होने के लिए लगा दिया है, इसको 3-4 दिन लगेंगे हैच होने में, तो जब तक मैं अपने बेसिक काम कर लेता हूँ, एंडर ड्रैगन को मारना भी तो जाना है, तो उनके लिए जो बेसिक काम है ना वो कर लेते हैं, अपनी इंचेंटमेंट टेबल तैयार कर लेंगे, और अपना जो पोर्ट था ना वही पोर्ट भी अभी तक मैंने तैयार नहीं किया, तो अपने दो पोर्ट बना लेते हैं। तो ये अपना पोर्ट एक तो बन गया है, एक और बना लेता हूँ पोर्ट, और फिर इसको भी लगाएंगे क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं। तो नॉर्मल भाषा में अपन जो गमले बोलते हैं ना, गमले जो पेड़ पौधे लगाते हैं वही होते हैं ये पोर्ट, तो नॉर्मल सा इनका कोई काम तो नहीं है, बट ये नॉर्मल सा डाला है नया, बट कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, मैंने दो पोर्ट बना लिए, अब अपने इस गेट के आगे लगा देता हूँ, बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो आप नीचे कॉमेंट में बताना जरूर कि ये चेरी वुड का और बैम्बो का मिक्स हाउस मेरा कैसा लगा आपको, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा रियली में, इसको बनाने में भी बहुत मज़ा आया और ये रियली में लग भी बहुत सुंदर रहा है। और ये पोर्ट मैंने लगा दिया है, तो स्निफर है ना वो क्या बोलते हैं एक नया फ्लोवर आया है, वो निकाल के देगा ना, तो वो इनमें लगाने वाला हूँ, और ये रियली में अच्छा लग रहा है। और ये स्निफर का एग हैच होने में 3-4 दिन लेगा, तो लगभग अपने जो भी क्या बोलते हैं आर्मर और ये पिकक्स इनको सभी को एन्चेंटमेंट ले लेता हूँ मैक्स लेवल की। तो जब तक मैं अपने आर्मर और इनमें ये इंचेंटमेंट डाल रहा था, तो ये अपना स्निपर का एग हैच हो चुका था और अपना स्निपर आ चुका है अपने वर्ल्ड में, तो ये अच्छा लग रहा है यार रियली में, बट ये इसका कोई काम तो है नहीं, बट ये आ चुका है। और इसका नाम आप नीचे कमेंट में बताना, जो भी नाम अच्छा लगेगा ना वो इसमें मैं देने वाला हूँ इस स्निपर का नेम। और फिर मैंने इसको 3-4 दिन के लिए इसको बड़ा होने के लिए छोड़ दिया था, और 3-4 दिन बाद में मेरा स्निपर बहुत ही बड़ा हो गया और इसने मेरे को सीड भी निकाल के दिया, और ये एवरी 8 मिनट में मतलब 8 मिनट के अंदर अंदर ये एक बार खुदाई स्टार्ट करता है और उससे मेरे को ये सीड देता है। तो फिलहाल ये सीड निकाल के दे रहा है, देखो ये 8 मिनट होते ही ये खुदाई स्टार्ट कर देता है और मेरे को सीड निकाल के देता है, तो ये खुदाई स्टार्ट रखेगा अपनी 8 मिनट में ये निकाल के देगा। तो चलो अब नेदर में जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि मेरे को एंडर आई ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, क्योंकि अपन को एंडर ड्रैगन को भी मारना है और लगभग अपने 100 डे भी कंप्लीट होने वाले हैं। और फिर मैंने अपना नेदर पोर्टल ओपन किया, तो ये लास्ट बार लगा देता हूँ, और फिर मैंने ओपन करके अब नेदर में गया, और नेदर में मैं ब्लेज रोड और एंडर पर्ल लेने के लिए जाने वाला हूँ। तो फिलहाल इस नेदर पोर्टल को मैंने ओपन किया और जो भी बेसिक जो चीज़ें थी वो ले ली मैंने, और मैं अपने नेदर में जाने के लिए आ गया और अपने नेदर में एंट्रेंस लिया, और फिर मैं अपने नेदर में एंटर कर गया। और फिर मेरे को यहाँ पे पास में ही मेरे को ये क्या बोलते हैं फोर्ट्रेस मिल गई थी, क्योंकि मेरे जो जहाँ पे मैं स्पॉन हुआ था ना उसके एकदम पास में ही थी फोर्ट्रेस, तो मैं वहाँ पे पहुँच गया। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद में मेरे को लगभग मेरी इतनी अच्छी किस्मत थी कि मेरे को ब्लेज रोड का स्पॉनर भी मिल गया। तो अभी आप देखना कि आगे की साइड लेफ्ट साइड में मेरे क्या बोलते हैं इसी लेफ्ट साइड में ब्लेज का स्पॉनर लगा हुआ था, इधर तो एक स्केलेटन खड़ा हुआ था बट इधर देखो एक ब्लेज का स्पॉनर लगा हुआ था। इतना ज्यादा लकी इंसान था इसमें 100 डे की वीडियो में। और मैं फायर पोर्शन की पोर्शन भी बना के लाया था, और फिर मैंने फायर पोर्शन पी और फिर मैंने ब्लेज रोड को मारा और ब्लेज रोड कलेक्ट की बहुत सारी।
और मैंने ब्लेज रोड और एंडर पर्ल कलेक्ट करके अपने घर पे आ गया। फिर ब्लेज रोड से मैंने ब्लेज पाउडर बनाया और एंडर पर्ल को मिला के अपनी एंडर ऑफ आई ऑफ एंडर बनाया, क्योंकि मेरे को एंड में जाना था और एंड में एंड पोर्टल को ओपन करने के लिए मेरे को एंडर आई चाहिए थी। और लगभग मेरे से यहाँ का सारा काम हो गया था और 100 डे भी कंप्लीट हो गए थे। तो बस अब अपने एंडर ड्रैगन को मारना था और अपनी लोकेशन ढूंढनी थी। तो फिलहाल मैंने अपने एंड पोर्टल की लोकेशन फाइंड करने के लिए अपने कैमल पे सवार हुआ और अपने कैमल पे बैठकर और एंड पोर्टल की लोकेशन की तरफ रवानगी ली। और थोड़ा सा टाइम लगा है अपने एंड पोर्टल को ढूंढने में। तो फिलहाल जल्दी से मैं अपने एंड पोर्टल की ओर मिलता हूँ। और मैं अपने एंड पोर्टल के ऊपर पहुंच गया और इसको ऑन करने के लिए मैंने एंडर आई इस पे लगाई और अपना लास्ट एंडर आई लगाकर एंड पोर्टल को ऑन किया और फिर मैंने इसके अंदर अपना जंप लगा दी और मैं पहुंच गया एंड में, क्योंकि मेरे को एंडर ड्रैगन को मारना था और अपने 100 डे भी कंप्लीट हो गए तो एंडर ड्रैगन को मारने के लिए जाना ही पड़ा। तो तुम जल्दी से अपने एंडर ड्रैगन को मार देते हैं और जल्दी से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है और भी लंबी हो जाएगी। तो जल्दी से मारते हैं एंडर ड्रैगन को। और अपने एंडर भैया की 5 HP बची है, तो इसको 2 और ये शॉट मारूंगा तो ये मर जाएगा। तो फिलहाल इसको थोड़ी बहुत ये और बॉम मारता हूँ और फाइनली ये मरने वाला है, तो एक शॉट और मार देता हूँ। तो फिलहाल ये एंडर ड्रैगन मर चुका है और अपने 100 डे कंप्लीट कर लिए नए अपडेट में 1.20.1 में। तो वीडियो कैसे लेके नीचे कॉमेंट में बताना। तो जल्दी से अपने एंडर एग को लेकर फिर चलते हैं अपने घर पर। और मैंने फिर अपना 1.20.1 का एंडर एग लिया और चला फिर अपने घर पर। तो जल्दी से इसको ले लेते हैं। इसके नीचे मैंने टॉर्च लगाई और अपना एंडर एग लिया और जंप लगा दी अपने घर की तरफ। तो फिलहाल मैं अपने घर पे आ चुका हूँ और मैंने इसमें सर्वाइव कर ले 100 डे। तो आपको कैसी लगी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और पीछे मेरा घर देखो कितना शानदार लग रहा है, बैम्बू का हाउस। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अलविदा लेते हैं, बाय बाय।